मोहित, तुझे कितने रुपए पॉकेट मनी मिलती है? मुझे तो हर महीने 500 रुपए मिलते हैं। अरे वाह, मुझे भी 100 रुपए मिलते हैं। सही है यार, अगर पॉकेट मनी फिक्स हो ना तो रोज रोज मम्मी से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ भाई, एकदम सही कह रहा है। वैसे रोहित, तुझे कितने रुपए पॉकेट मनी मिलती है? मुझे तो एक भी नहीं मिलती है। हाँ? अरे भाई, तो मांग, ये हमारा धर्म है, धर्म। भाई, मुझे लगता नहीं है कि मम्मी पॉकेट मनी के लिए मानेगी। तू अपनी मम्मी को किसी भी तरीके से खुश कर सकता है? नहीं यार, तेरे पास कोई आइडिया तो बता। मेरे पास कोई आइडिया वाइडिया नहीं है। भाई प्लीज बताना, भाई प्लीज यार, तेरे पास तो बहुत सारे आइडिया, बताना यार। अच्छा ठीक है ठीक है, देख सबसे पहले तू अपनी मम्मी से पॉकेट मनी के लिए रिक्वेस्ट कर। ओ क्या कहा, हर महीने पॉकेट मनी? बिल्कुल नहीं, मैं तुझे एक साथ पैसे दे दूंगी तो तू सारे पैसे एक दिन में खर्च कर देगा। गगन, मोहित, इन सबको भी पॉकेट मनी मिलती है। देखो, तुम अपनी पॉकेट मनी नहीं संभाल सकते तो मेरा जवाब ना है। मैं कर सकता हूँ, मैं संभाल लूंगा मम्मी। नहीं, बिल्कुल नहीं, तू अपने खिलौने तो संभाल नहीं सकता, पॉकेट मनी कैसे संभालेगा? कहा ना मैंने, मैं संभाल सकता हूँ। बिल्कुल नहीं। वैसे एक बात बोलू? बोल। ये संभालने का मतलब क्या होता है? तू नहीं समझेगा, तुझे पॉकेट मनी नहीं मिलने वाली, बस। आप मेरी बात कभी नहीं मानते, मैं जा रहा हूँ। इस लड़के को तो देखो, कितना जल्दी बड़ा हो गया, आज इसे पॉकेट मनी भी चाहिए। क्या है ये रोहित? इसका मतलब ये है कि मुझे पॉकेट मनी चाहिए, अगर नहीं मिली तो मैं पड़ताल करूंगा। अरे बुद्धू, पड़ताल नहीं, हड़ताल होता है, हड़ताल। अच्छा, हड़ताल होता है क्या? जो भी हो, अगर मुझे पॉकेट मनी नहीं मिली तो आप बहुत दिक्कत में आ जाओगी। अच्छा, ऐसा क्या कर लेगा तू? अब आप मेरी बात सुन के ना चौंकने वाली हो, क्योंकि मैं अब से ना आपकी कोई मदद ही नहीं करूंगा। वैसे ही कौन सा करता है तू? जिद छोड़ दे बेटा, कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको मजाक सूझ रहा है? अगर यही बात है तो सुनो, मुझे मेरी पॉकेट मनी दे दो, नहीं तो मैं हड़ताल करूंगा। अब ये फिर से हड़ताल पे उतर आया। मेरे पास बोलने की आजादी है, हमारी मांगे पूरी करो, हमें पॉकेट मनी चाहिए। मुझे हर महीने पॉकेट मनी चाहिए तो चाहिए, अगर मुझे पॉकेट मनी नहीं मिली तो तू क्या कर लेगा? मैं आपको फिर से चौंका दूंगा। फिर से कोशिश करके देख ले। आपको ना मेरी पॉकेट मनी देनी ही होगी। मैं नहीं दूंगी। मैं टॉयलेट नहीं जाऊंगा मम्मी। पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है ये। इस घर की जनता को कम समझने की भूल मत करना मम्मी। अफसोस है, तेरी मांगे पूरी नहीं होंगी। मम्मी पॉकेट मनी दे दो ना प्लीज। ये सब कब तक चलेगा? प्लीज मम्मा, मान जाओ। बेकार की बातें मत करो। मम्मी जी, मान जाओ ना प्लीज मम्मी जी। कौन होगा? मम्मी भी घर पे नहीं है, मैं तो फंस गया। अब क्या करूं क्या करूं? चलो जो कोई भी होगा गेट खोल लेता हूं।
मुझे लगा तुम अंदर ही हो। तुम्हें इस तरीके से अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन दरवाजा तो खुला हुआ था मोहित। बात यह है कि मम्मी ना पॉकेट मनी देने के लिए राजी नहीं हो रही है। देख अगर बात यह है तो तुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मम्मी इंप्रेस हो जाए। कुछ ऐसा जिससे मम्मी इंप्रेस हो जाए। आइडिया तो काफी अच्छा है मोहित। सुनो मम्मी। ये क्या रोहित, तुमने फिर से हड़ताल शुरू कर दी। अगर आप मुझे पॉकेट मनी नहीं दोगे तो इस मामले में मुझे पापा को लाना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? मैं पापा को बता दूंगा, वो जो पेंटिंग है ना उसके पीछे बहुत सारे पैसे छुपा रखे हैं, बहुत सारे। तो तुम ये करने वाले हो? मैं तुम्हारे पापा के आने से पहले वो पैसे वहां से निकाल लूंगी। अच्छा ये बात है, अब मैं रोज सुबह लेट उठूंगा और स्कूल की बस मिस करूंगा। अच्छा तो इसका मतलब मुझे रोज सुबह तुम्हें साइकिल से स्कूल छोड़कर आना होगा, यही कहना चाहते हो ना? सही समझे आप, और कुछ दिनों में ना ठंड भी शुरू होने वाली है। सही कहा, वैसे भी सर्दियों में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसी बहाने मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें रोज साइकिल से स्कूल छोड़ दिया करूंगी, और कभी कभी तुम्हें कार से भी स्कूल छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं अच्छी ड्राइवर हूं ना बेटा। ठीक है मम्मी, जो आपके फेवरेट बिस्कुट है ना, जो आपने डोर में छुपा रखे हैं, मैं उसको खा जाऊंगा। वो तो मैं पहले ही खा चुकी हूँ बेटा, मुझे बहुत भूख लग रही थी। पॉकेट मनी नहीं दी तो जो मैंने चीजें छुपा रखी है ना वो मैं कभी नहीं बताऊंगा। अच्छा तो तुम चीजें छुपा कर रखते हो? हाँ, और अब से ऐसी जगह छुपाऊंगा जहाँ से आप कभी नहीं ढूंढ पाओगी। अपने स्कूल बैग के अंदर ना। वैसे जगह अच्छी है, मेरा वेट भी बढ़ रहा है, तुम चीजें छुपाते रहो, मैं उन्हें ढूंढती रहूंगी। क्यों, ठीक कहा ना बेटा? महीने के आखिरी दिन कितने बुरे होते हैं, खाना खड़े होकर खाना पड़ता है। मुझे फिर 3,000 रुपये चाहिए, नहीं सिर्फ 2,000, अगर उससे भी कम करूं तो बस 1,000 रुपये। मुझे भी पॉकेट मनी चाहिए, पर गोलू की मम्मी से बात कौन करेगा? गोलू भी सुबह पॉकेट मनी की बात कर रहा था, अगर वो मुझे पैसे दिलवा दे तो उसकी पॉकेट मनी तो मैं दे दिया करूँगा, हर महीने 50 रुपये। हाँ मुझे गोलू से मदद लेनी ही पड़ेगी। अरे मैं घर आ गया। अरे आप आ गए? अच्छा पहले आप खाना खाना पसंद करोगे? हाँ ठीक है, पर गोलू कहाँ है? गोलू अंदर है। आप आ गए पापा? हाँ बेटा अभी अभी। बेटा अगर तुम्हें पॉकेट मनी चाहिए है महीने तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर हमें एक छोटा सा काम करना होगा। हम दोनों मिलकर अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं, चलो हम कुछ करते हैं इस बारे में। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ बेटा। ठीक है पापा, मैं आपकी मदद करूँगा, पर आप पीछे तो नहीं हटोगे ना? कभी नहीं बेटा। चलो पापा फिर हम वादा करते हैं कि हम मम्मी से पैसे लेने में हम कामयाब रहेंगे। ऐसे कहना पड़ेगा क्या बेटा? हाँ पापा आप भी साथ में कहो, नहीं तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। देखो बेटा मैं थक गया हूँ। अब बहाने मत बनाओ पापा, हम दोनों वादा करते हैं मम्मी से पैसे लेने में कामयाब रहेंगे। खाना कितना बढ़िया था ना? मुझे रोहित के पॉकेट मनी के बारे में बात करनी है। अरे ये पैसों का ध्यान नहीं रख सकता, इसे जितने भी पैसे देती हूँ सब एक बार में उड़ा देता है। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं सब समझ गया गोलू की मम्मी, चलो एक काम करते हैं, गोलू की पॉकेट मनी की जिम्मेदारी मेरी, मैं इसका ध्यान रखूंगा और मैं ही इसको पॉकेट मनी दिया करूंगा। सच में पापा?
इतना प्यारा बच्चा है, तुम्हें पॉकेट मनी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। और गोलू की मम्मी, मेरी भी पॉकेट मनी बहुत कम है। जब पॉकेट मनी की बात चली रही है तो मेरी और गोलू की पॉकेट मनी मिलाकर तुम मुझे 3,000 रुपये दे दिया करो। 3,000 रुपये? वैसे तो ये ज़्यादा नहीं है, पर चलो फिर भी तुम मुझे बस 2,000 रुपये दे दिया करो। रोहित की पॉकेट मनी की वजह से आप अपने पैसे क्यों बढ़ा रहे हो? आपको क्यों चाहिए 2,000 रुपये? क्या मतलब है तुम्हारा? चलो बोलो, तुम ही बताओ तुम्हें कितनी पॉकेट मनी चाहिए। मुझे 10 करोड़ चाहिए। गोलू, तुम्हें सच में पॉकेट मनी चाहिए या तुम ऐसे ही कह रहे हो? देखो, हम फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे। देखो गोलू की मम्मी, मेरी बात सुनो। आजकल बच्चों को पॉकेट मनी देना एजुकेशन का एक हिस्सा है। हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं इसे कोई पॉकेट मनी देने वाली नहीं हूँ। लेकिन मैं हम दोनों की पॉकेट मनी की बात कर रहा हूँ। पापा, हम हार नहीं मानेंगे ना। सुनो गोलू की मम्मी। सुन रही हूँ। मुझे हर महीने पॉकेट मनी चाहिए प्लीज मेरी प्यारी मम्मी। पापा। बोल बेटा। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं इन दोनों ने मिलकर क्या शुरू कर दिया है, ये दोनों मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। होम लोन देना है, कार लोन देना है, रोहित की फीस भरनी है, पता नहीं ये सारे खर्चे कैसे पूरे होंगे। देखो कपड़े भी ऐसे उतार कर फेंक रखे हैं। बस इतने ही पैसे? क्या इसमें भी कुछ नहीं है? पापा, हमें ऐसे हार मान के नहीं बैठना चाहिए। तू सही कह रहा है बेटा, हम हार नहीं मानेंगे, हम पॉकेट मनी लेके रहेंगे, हम कल फिर हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे। सुनिए मॉम, आज भी हमारी हड़ताल जारी रहेगी। बिल्कुल, हम हार नहीं मानेंगे। ये लीजिए। ये पैसे? पॉकेट मनी। अब मैं आपकी पॉकेट मनी थोड़ी सी बढ़ा रही हूँ। गोलू की मम्मी, तुम सच में ऐसा कर रही हो? हाँ, बाकी तो हम सब वैसे मैनेज कर लेंगे। मैंने काफी टाइम से आपकी पॉकेट मनी बढ़ाई नहीं थी, इसलिए। थैंक्स गोलू की मम्मी। अच्छा तो मेरी पॉकेट मनी का क्या हुआ? वो तो पापा देने वाले थे ना। बेटा, तुम पॉकेट मनी के लिए भी बहुत छोटे हो, मुझे ऐसा लगता है। हाँ सच में मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। बाय, शाम को टाइम से आ जाना घर। पापा, वो हमारे वादे का क्या जो हमने किया था? मम्मी से पॉकेट मनी लेके रहेंगे। यीहा!